साथ सेलेब्रिटी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर नर्म रुख इख्तियार किया है। नर्म रुख इख्तियार करते हुए महागठबंधन और इंडिया के सहयोगी दलों के रवैये पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के राष्ट्रीय समारोह में नीतीश ने घरेलू राजनीति को दूर रखकर डिनर में शामिल हुए, लेकिन उनकी ही सरकार के सहयोगी और पार्टी प्रवक्ताओं ने ओछी बयानबाजी कर अपनी नासमझी प्रदर्शन की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि G20 सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू राजनीति को परे रखा, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री और पार्टी प्रवक्ताओं ने भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता पर ओछी बयान देकर वैश्विक मुद्दों पर अपनी नासमझी और दुर्भावना की प्रकट की। सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित न किए जाने पर कहा कि जब देश की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सहित किसी दल के अध्यक्ष को आमंत्रण नहीं था, तब कांग्रेस क्यों मुंह फुलाए बैठी रही। कांग्रेस भाजपा विरोध की सनक में भारत विरोधी हो गई है, इसलिए पार्टी पूर्व अध्यक्ष ने ठीक सम्मेलन के समय विदेश जाकर आयोजन की आलोचना की और उनके अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने G20 का बहिष्कार किया। आमंत्रण के बाद भी रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए ताकि सोनिया गांधी नाराज ना हो जाए। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आगे भी कहा, जी हाँ, सुशील कुमार मोदी ने भारत मंडप्रम में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिकृति और मधुबनी पेंटिंग को स्थान देकर बिहार की ब्रांडिंग करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि G20 देशों के सफल सार्थक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि यूक्रेन रूस टकराव, पर्यावरण संकट और आतंकवाद की चुनौतियों के बीच अमेरिका, रूस, चीन सहित दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहमति बनाना इसकी बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस इसे पचा नहीं पाई, इसलिए उसने इस सम्मेलन से दूरी बनाकर अपनी हताशा प्रकट की है। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।